हिमाचल में मतगणना से पहले बीजेपी महामंथन करने वाली है। सभी प्रत्याशियों से फीडबैक लेगी बीजेपी। 4 दिसंबर को धर्मशाला में अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम जयराम ठाकुर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम प्रत्याशी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा का विषय रखेगा हाल ही में विधानसभा चुनावों के लिए हुए मतदान को लेकर। साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि भीतरघात की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर मंथन में फीडबैक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की विस्तार से चर्चा की जाती है। ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी ने किया, उसके बाद मतदान हुआ, अब नतीजों का इंतजार है और नतीजों से पहले बीजेपी की तरफ से इस खास बैठक का आयोजन धर्मशाला में किया गया है। 4 दिसंबर को ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, सीएम जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे, बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, कितनी खास रहेगी बीजेपी की ये बैठक? आरती, देखिए कल ये बैठक होने जा रही है और मुख्यमंत्री आज शाम को ही धर्मशाला पहुंच जाएंगे। शिमला से आज उन्होंने धर्मशाला के लिए सड़क मार्ग से रवाना होना है और कल ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि हाल ही में जो मतदान हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रही है, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या रही है, उसको लेकर मंथन होना है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बाकी भी जो प्रदेश के बड़े नेता हैं और 68 के 68 उम्मीदवार इस बैठक के लिए बुलाए गए हैं और उनसे ये भी कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट भी साथ लाएं कि उनके जो बूथ वाइज है वहां पर कितनी लीड ले रहे हैं, कहाँ टक्कर में है, कहाँ उन्हें थोड़ा लग रहा है कि हम कम हमें किसी बूथ से मिल रहे हैं, तो वो रिपोर्ट भी और ओवरऑल रिपोर्ट भी कि वो अपनी विधानसभा में अभी अपनी स्थिति कहाँ आंकते हैं। तो ये एक बैठक होगी और इसमें ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या भाजपा सत्ता में आने की स्थिति में है, यानी मिशन रिपीट की स्थिति में है, या फिर कुछ और जो है कहीं कहीं कोई निर्दलीयों की मदद की जरूरत पड़ सकती है, या ओवरऑल स्थिति क्या है। तो ये बैठक का एक चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा और इसके साथ साथ कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं कि भीतरघात हुआ है, कुछ जगह तो ऑडियो भी वायरल हुए, वो भी इस दौरान चर्चा का विषय रहेंगे और इसके साथ साथ बाकी भी जो पर्टिकुलर जो एक विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किसने काम नहीं किया, पार्टी के नेता है या फिर वो कोई अहदेदार रहा है, सरकार में बोर्ड निगम का चेयरमैन रहा है लेकिन पार्टी के विरोधी काम किया गया है, तो उसकी भी रिपोर्ट जो है इनसे ली जाएगी, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और 8 दिसंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें देखना ये होगा कि अगर मिशन रिपीट होता है लेकिन उसके बावजूद भी भीतरघातियों की वजह से कहीं नुकसान होता है तो उन पर कैसी कार्रवाई करनी है, और क्योंकि जब भी रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद एक समीक्षा बैठक जरूर होती है तो वो बात का विषय है, लेकिन 8 दिसंबर के लिए 8 दिसंबर को रिजल्ट कितने पक्ष में आ सकते हैं उस पर आज मंथन, कल जो है मंथन यहाँ पर होने वाला है। तो मुख्यमंत्री आज यहाँ शिमला से धर्मशाला के लिए रवाना होने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक प्रदीप। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, फीडबैक तमाम प्रत्याशियों से बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा।